अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो लिखी है रोबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी वीडियो देखने के बाद एंड ये जो पूरी पोएम है इसको पढ़ने के बाद आई एम श्योर कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस पोएम से रिलेटेड तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर सकते हो। एंड इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स कवर करे जाएंगे, सबसे पहले जो अबाउट ऑथर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देन अबाउट पोएम, तो एंड देन जो समरी है पोएम की तो उसका हम डिस्कस करेंगे, देन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पोइटिक डिवाइसेस एंड लास्टली जो थीम्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट जो सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो उनको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कौन थे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड इसमें आपको बस थोड़ा सा इंट्रो लिखना है, उसके बाद मेजर वर्क्स एंड देन इसको कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो इतना सफिशिएंट होगा। सबसे पहले अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है 1874 में उसकी बर्थ हुई थी अमेरिका में एंड 1963 में उसकी डेथ हुई। तो अमेरिका का वो पोएट था एंड उसे बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जाती है इस चीज़ की वजह से कि उसने जो अमेरिका की जो रूरल लाइफ थी, जो गांव की ज़िंदगी थी, तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत रियलिस्टिक वे से डिपिक किया है, मतलब बहुत अच्छे से जाहिर किया है। ऐसा लगता है कि जैसे हम पोएट्री नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि ये चीज़ें जो हैं वो रियल में हो रही है। तो इतना अच्छे से इसने जो गाँव की ज़िंदगी है उसको जाहिर किया है एंड उसकी जो कमांड थी अमेरिकन कोलोकियल स्पीच में वो बहुत अच्छी थी। कोलोकियल स्पीच मतलब जो कि इनफॉर्मल जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे यूज किए हैं, जैसे इंग्लिश में यूज करते हैं गोना वाना, ये आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में, बट स्टिल जो लोग हैं वो उसको यूज करते हैं एंड ज़्यादातर जो है इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है। तो इस स्पीच में इसको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी एंड अमेरिका में इसे ये एक अमेरिका में बहुत मशहूर पोएट है, अमेरिकन लिटरेचर में बहुत मशहूर पोएट है, इसकी जो पोएट्री है वो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। उसके बाद इसके मेजर वर्क्स जो है उनकी बात करें तो वो कौन से हैं, द रोड नॉट टेकन या स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एंड देन मेंडिंग वॉल ब्रिजेस एंड देन फायर एंड आइस, तो ये इसके कुछ मेजर वर्क्स हैं। देन उसके बाद अगर मेजर अवार्ड्स की बात करें तो 4 बार इसे पुलिट्जर प्राइज जो है वो मिला है पोइट्री के लिए। ये जो सारे मतलब 4 चीज़ों के लिए इसे जो पुलिट्जर प्राइज है वो मिला है एंड वो चीज़ें कौन सी थी, मतलब पोइट्री से रिलेटेड ही थी एक्चुअली। सबसे पहले क्या था, दैट इज़ फॉर न्यू हैम्पशियर, तो 1924 में ये चारों जो है पोइट्री कलेक्शन है एंड किस डेट पे आए थे ये आप देख सकते हो। उसके बाद फॉर कलेक्टेड पोइम्स 1931, इसके लिए भी इसे ये अवार्ड मिला है। देन अ फर्दर रेंज 1937 में ये कलेक्शन आया था एंड देन अ विटनेस ट्री 1943 में आया था। उसके बाद इसे एक मेडल मिला है, गोल्ड मेडल, जो कि कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है 1960 में, तो वो उसे मिला एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स पोएट लॉरेट जो है 1958 से लेकर 1959 तक था, मतलब इसके लिए इसे जो गवर्नमेंट है उसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह हैं तो उनके लिए इसे लिखना था, तो इसके लिए भी या इस पोस्ट पे भी था ये 1958 से लेकर 1959 तक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो वर्क्स हैं उसकी जो वर्क्स हैं मतलब वो आज भी इन्फ्लुएंशियल है, इन्फ्लुएंशियल मतलब कि वो आज भी जो पोएट्री है उसके ऊपर उसका असर है एंड देन उसकी जो पोएट्री है पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है क्योंकि उसकी हम जो पोएट्री है उसमें हम देखते हैं कि उसमें डेप्थ है, उसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड बहुत ही सिंपल वे से या बहुत ही सिंपलिसिटी हम उसकी पोएट्री में देखने को हमें मिलता है, मतलब कि जो सादगी है या जो आम लोगों की जिंदगी है तो उसी को उसने डिपिक्ट किया है। अबाउट द पोएम, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए इस पोएम को समझना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये पब्लिश हुई थी 1915 में। ये जो पोएम है इसके 4 स्टेंजाज हैं एंड हर एक स्टेंजा जो है वो 5 लाइन्स का है। इस पोएम की राइम स्कीम की बात करें तो वो है ए बी ए ए बी। देन जो ये पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये किस चीज़ के बारे में है, जो हम अपनी ज़िंदगी में जो चॉइसेस लेते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं उसके बारे में है एंड उन चॉइसेस की वजह से, उन डिसीजंस की वजह से हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है एंड हमारे लिए वो जो डिसीजंस हैं क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस चीज़ के बारे में होने वाली है। जो स्पीकर हैं इस पोएम का, तो वो
जंगल में होता है ऑटम सीजन में, वो जंगल में होता है ऑटम सीजन मतलब जो पतझड़ का सीजन होता है, जब ट्रीज के जो पत्ते हैं वो गिरने लगते हैं, तो उस टाइम पे ये एक जंगल में होता है। एंड इसके सामने दो रोड्स होते हैं, एक रोड होता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग चले हुए होते हैं क्योंकि उसके ऊपर ग्रैस नहीं होती, दूसरा जो रोड है उसके ऊपर कम ग्रैस होती है मतलब कि उसके ऊपर कम लोग चले हैं। तो इसे अब एक रोड को चूज करना है एंड ये दूसरे रोड को चूज करता है मतलब कि उस रोड पे चलता है जिसके ऊपर बहुत कम लोग चले हुए होते हैं। एंड ये बोलता है लेटर कि ये जो मैंने दूसरा रोड चूज किया मेरे लिए अब यही चीज मैटर करती है, इट मेड अ बिग डिफरेंस इन हिज लाइफ, के मतलब इसके लिए अब यही चीज मैटर करती है, इसके लिए अब यही चीज इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है इसमें हमें थीम्स देखने को मिलते हैं लाइक इंडिविजुअलिटी या जो चॉइस है एंड रिफ्लेक्शन, तो ये जो थीम्स हैं तो इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो उसके बाद जो सेटिंग है पोएम की, सेटिंग कहाँ पे है, जैसे मैंने बोला कि ये जो पोएम है ये सेट है कहाँ पे, लाइक लोकेशन की बात करते हैं हम, तो ये कहाँ पे है, जो फॉरेस्ट है तो उसमें है, एंड सीजन कौन सा है, टाइम कौन सा है, ऑटम सीजन। जो स्पीकर है वो मैंने बोला कि एक डाइवर्जेंट रोड पे होता है, एक ऐसा रोड मतलब ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे उसके सामने दो रोड्स होते हैं एंड उसे इन दो रोड्स में से एक रोड को चूज करना होता है। बेसिकली उसे मतलब जिंदगी का जो डिसीजन है मतलब उसके सामने दो डिसीजन होते हैं उसको एक चूज करना होता है। तो यहां पे इसी जो ये रोड्स का डाइवर्ज होना है तो उसको रिलेट किया गया है कि जो जिंदगी है उसमें हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो उसके साथ रिलेट किया गया है। समरी ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, जो ये पोएम है द रोड नॉट टेकन, तो इसकी समरी हम डिस्कस करेंगे। जो ये पोएम है द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक रिफ्लेक्टिव पोएम है। रिफ्लेक्टिव पोएम का मतलब होता है जब जो पोएट है वो अपनी जिंदगी के अंदर जागता है, उसकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, अप्स एंड डाउन्स है, उनके बारे में बात करता है, इसीलिए ताकि जो रीडर है उसको पता चले कि जो पोएट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या सोच रहा था। तो उसी पोएम को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव पोएम, जिसमें कि जो रीडर है उसको पता चले कि जो पोएट है वो क्या सोच रहा था, ओके, क्या फील करता था, क्या सोच रहा था। तो ये जो पोएम है ये किस चीज़ के ऊपर होने वाली है कि जो चॉइसेस हैं, जो डिसीजंस हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं, एंड उन डिसीजंस की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं, क्या असरात हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है उन डिसीजंस की वजह से, तो ये जो पोएम है ये उसी के बारे में होने वाली है। ये जो पोएम है तो ये कहाँ पे सेट है, ऑटम फॉरेस्ट में, मैंने पहले ही बताया। एंड जो स्पीकर है उसके सामने दो रोड्स होते हैं, दो रोड्स में उसे एक रोड को चूज करना पड़ता है। उसके बाद ये जो स्पीकर है मैंने बताया पहले ही कि इसके सामने दो रोड्स होते हैं एंड ये जो दोनों ही रोड्स होते हैं उसके लिए अट्रैक्टिव होते हैं एंड ये रिग्रेट करता है, इसे अफसोस है इस चीज़ का कि ये इन दोनों ही रोड्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो रोड्स हैं इनको कंपेयर किया गया है किस चीज़ से, जिंदगी से, कि जिंदगी में हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चॉइसेस करनी पड़ती हैं एंड जो जिंदगी है वो आगे जाती है, हम वापस नहीं जा सकते जहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया था एंड हम दूसरा डिसीजन वहाँ पे ले, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि जो जिंदगी है वो हमेशा आगे जाती है, हम बैक नहीं जा सकते, हम पीछे नहीं जा सकते। तो इसीलिए इसको अफसोस है इस चीज़ का कि ये दोनों इन दो पाथ्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। उसके बाद ये बहुत टाइम तक मतलब इस डाइवर्जेंट पाथ पे होता है, मतलब जहाँ पे ये दो रूट्स डाइवर्ज होते हैं ये बहुत टाइम तक यहाँ पे होता है, कंटेम्पलेटिव मतलब कि थिंकिंग या प्रोलॉन्ग्ड थॉट, बहुत सारे टाइम तक ये यहाँ पे वेट करता है एंड मतलब इन दो रूट्स को देखता है, जहाँ तक इसकी नज़र जाती है तो ये देखता है, इन दोनों ही रूट्स को एग्जामिन करता है एंड लास्टली मतलब ये एक पाथ चूज करता है, ऐसा पाथ चूज करता है जिसके ऊपर कम लोग चले हैं क्योंकि उसके ऊपर ग्रास बहुत कम है, जिससे इसे पता चलता है कि इस पाथ के ऊपर बहुत कम लोग चले हैं। एंड फिर ये लेटर बोलता है कि ये जो दोनों ही पाथ्स थे तो इनमें लाइक मुझे मतलब सेम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते, मतलब जो भी होता तो मुझे दोनों ही रोड्स में मतलब मुझे अप्स एंड डाउन्स आते, या मैं कुछ सीखता, मेरी डेवलपमेंट होती, तो ये दोनों ही रोड्स मेरे लिए जो हैं वो सेम होते, ओके। उसके बाद वो क्या बोलता है, जो ये पोएट है ये जब अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है ये रियलाइज करता है कि जो इसने अपनी ज़िंदगी में ये जो डिसीजन लिया, ये जो लेस पाथ इसने इख्तियार किया, तो ये इसके लिए सिग्निफिकेंट है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एंड लेटर ये डाउट करता है कि क्या ये दोबारा वापस भी आएगा इस जगह पे एंड जो दूसरा रोड है तो उसको एक्सप्लोर करेगा। जैसे मैंने बताया कि जो ज़िंदगी है वो आगे जाती है, वो पीछे नहीं जाती, एंड ये जो दूसरा रोड है उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता, तो इसे इस बात का अफसोस है। जो पोएट है वो यहाँ पे इमेजिन कर रहा है जब वो अपनी स्टोरी बोलेगा लोगों को फ्यूचर में, तो तब वो
अपनी स्टोरी बोलेगा विद अ साई। साई का मतलब होता है डीप ब्रेथ छोड़ना, या तो रिग्रेट की वजह से या एक्सेप्टेंस और रिलीफ की वजह से। तो जो ये पोएट है ये अपनी स्टोरी बोलेगा लोगों को विद अ साई। तो ये यहाँ पे क्या चीज़ दिखाती है कि उसने एक ऐसा पाथ चूज किया जिसके ऊपर कम लोग चले थे। कहने का मतलब ये है कि उसने एक ऐसा डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लिया जो कि एक यूनिक डिसीजन था, जिसको कि बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया था। ठीक है, तो इसे इस बात की खुशी, एंड ये बोलता है कि मेरे लिए अब यही चीज़ मैटर करती है, या मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा डिफरेंस जो आप देख रहे हो तो ये इसी चीज़ की वजह से आई कि मैंने एक ऐसा डिसीजन चूज़ किया जो कि एक यूनिक डिसीजन था। जितनी ज़्यादा मतलब जितनी ग्रोथ मैंने करी, जितनी डेवलपमेंट मैंने करी, तो शायद ही मैं किसी और पाथ पे करता अगर मैंने कोई और पाथ चूज़ किया होता। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली कि वो जो अपनी स्टोरी बोलेगा तो वो बोलेगा विद अ साई। साई का मतलब मैंने बोला डीप ब्रेथ छोड़ना, जिसे कि कश्मीरी में बोलते हैं खुशत्रावन। तो वो डीप ब्रेथ छोड़ेगा या तो रिलीफ की वजह से, या तो मतलब रिलीफ या एक्सेप्टेंस की वजह से, या रिग्रेट की वजह से। देखो, रिलीफ या एक्सेप्टेंस उसे इस बात की होगी कि उसने जो डिसीजन चूज़ किया, जो डिसीजन उसने लिया, तो इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में इतना डिफरेंस आया, एंड इसे फ़ख्र है कि इसने ये डिसीजन लिया, तो इसके ऊपर इसे कोई गिला नहीं है। उसके बाद अगर रिग्रेट की बात करें, उसे किस बात का रिग्रेट है कि जो सारे पाथ्स हैं, जो दूसरा पाथ है वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ठीक है, जो ज़िंदगी के बाकी डिसीजंस हैं वो इनको एक्सप्लोर नहीं कर सकता, तो इसे इस बात का रिग्रेट है। ठीक है, तो आई गेस जो समरी है वो भी आपको क्लियर है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो अभी करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। जो पोएट है ये बोलता है कि मेरे सामने दो रोड्स थे जो कि डाइवर्ज हो रहे थे, कहाँ पे, येलो वुड में। येलो वुड मतलब जंगल, जंगल में ऑटम सीजन था, क्योंकि तभी जो ट्रीज के जो लीव्स है, जो पत्ते थे, तो वो पीले हो गए थे। एंड ये फिर यहाँ पे रिग्रेट करता है कि ये इन दोनों ही जो रोड्स हैं इनको ट्रैवल नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये जो रोड्स हैं इनको रिलेट किया गया है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ज़िंदगी के जो लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं, लाइफ के जो चॉइसेस होते हैं, उनके साथ रिलेट किया गया है। एंड क्योंकि इंसान जो है मतलब एक टाइम पे वो एक ही डिसीजन ले सकता है एंड फिर वापस आके दूसरा नहीं ले सकता, तो इसीलिए वो रिग्रेट करता है कि वो वापस नहीं आ सकता एंड वो दोनों ही इन रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता, एक्सप्लोर नहीं कर सकता। एंड क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर है, क्योंकि वो एक ही आदमी है, तो वो वहाँ पर बहुत टाइम तक वेट करता है एंड जो एक रोड है तो उसके ऊपर अपनी नज़र दौड़ाता है, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है तो वहाँ तक वो देखता है एंड तब जाके ये जो रोड है ये फिर बेंट होता है, इसमें कर्व आ जाता है एंड ये जो रोड है ये फिर झाड़ियों में छुप जाता है। तो ये है फर्स्ट स्टेंजा। जो दूसरा स्टेंजा है तो अभी उसको देख लेते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रैसी एंड वॉन्टेड अवेयर दो एज फॉर दैट द पैसिंग देयर had warned them really about the same। तो जो poet है वो फिर आगे बोलता है कि पहले तो मैंने एक रोड देखा था तो उसके ऊपर मैंने अपनी नज़र दौड़ाई थी एंड फिर वो क्या करता है कि वो दूसरे रोड जो है उसके ऊपर अपनी नज़र दौड़ाता है एंड बोलता है ये भी बिल्कुल वैसा ही था। फेयर का मतलब होता है अनबायस्ड, या हम कह सकते हैं कि जो दोनों रोड्स थे तो वो बिल्कुल सेम थे। ठीक है, तो इसके लिए वो सेम ही थे एंड परहैप्स हैविंग द बेटर क्लेम का मतलब होता है परहैप्स वो पहले वाले से बेटर था। ठीक है, बेटर ऑप्शन था उसके लिए क्योंकि वो ग्रैस ही था, मतलब उसके ऊपर ग्रैस थी, उसके ऊपर उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो नहीं चले थे। एंड वेंटेड वेयर, वांटेड वेयर का मतलब होता है, देखो यहां पे जो वांटेड वेयर है आप यहां पे कंफ्यूज भी हो सकते हो कि इसका मतलब यह है कि शायद जो रोड है वो यहां पे चाहता था कि उसके ऊपर पत्ते रहे। तो वांटेड जो है, वांट का मतलब क्या होता है कि डिजायर, इट शोज डिजायर। तो जो रोड है वो भी यहां पे डिजायर दिखाता है, वांट। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है इसे, ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, बट मुझे यहां पे कुछ और एक्सप्लेन करना है कि हमें ऐसा लगता है कि जो रोड है दैट वांट्स वेयर, कि मतलब वो चाहता है कि उसके ऊपर पत्ते रहे बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान जो है वो चाहता है कि उसके ऊपर क्लोथ्स रहे, बट यहाँ पे इसका मतलब कुछ और है। वांटेड वेयर का मतलब होता है, देखो रोड्स जो हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि लोग उनके ऊपर चले। तो ये जो रोड है ये भी यही चाहता था कि लोग जो हैं वो उसके ऊपर चले, क्योंकि उसका जो लिबास है, उसके जो कपड़े हैं वो फिर वही हो जाते हैं जब लोग जो है वो उसके ऊपर चलेंगे। तो ये जो रोड है ये चाहता था लोग इसके ऊपर चले। ठीक है, इसकी ये डिज़ायर थी। तो ये है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद
जो ये स्पीकर है ये यहाँ पे लाइक बहुत टाइम तक यहाँ पे सोचता रहता है, एंड बहुत सारे टाइम तक सोचने के बाद फिर ये सोचता है कि जो ये दोनों ही रोड्स हैं मेरे लिए सेम हैं, क्योंकि जो मुझे चीज़ें उसमें पहले वाले रोड में फेस करनी है वो मुझे दूसरे रोड में भी फेस करनी है। अप्स एंड डाउन्स वो आते रहेंगे, जो बेनिफिट्स जो एडवांटेजेस मुझे एक रोड में मिलेंगे दूसरे में भी मिलेंगे, चैलेंजेस वगैरह मुझे हर किसी रोड में फेस करने हैं सेम वे में। मतलब जिंदगी में जो भी हम डिसीजन ले तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, उसमें एडवांटेज तो आते रहते हैं, एंड इंसान जो है उसको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो राइटर का भी यही कहने का मतलब है कि अगर मैं दोनों में से कोई भी रोड चूज करूँ तो दोनों ही रोड्स में मुझे जो चैलेंज हैं उनको फेस करना पड़ेगा, जो अचीवमेंट्स हैं तो वो भी मुझे इन दोनों ही डिसीजंस में मिलेंगी। ओके, जो दूसरा स्टेंजा है आई गेस वो भी आपको क्लियर है। उसके बाद अगर राइम स्कीम की बात करें, जो पहला वर्ड है दैट्स फेयर, तो ये किसके साथ मिलता है, वेयर एंड देयर के साथ। उसके बाद जो सेकेंड लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है क्लेम, वो किसके साथ मिलता है, सेम के साथ। तो अगर ये ए है तो जो ये दूसरा है तो ये यहाँ पे बी बन जाता है, इसी तरीके से ये भी ए एंड देन इट्स बी। तो इसकी राइम स्कीम की बात करें, ए बी ए बी, तो आई गेस जो राइम स्कीम है वो भी आपको अच्छे से क्लियर है। उसके बाद बढ़ते अपने थर्ड स्टेंजा की तरफ। थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो जो पोएट है वो फिर आगे बताता है कि उस मॉर्निंग की, ये मॉर्निंग की बात हो रही है, इस जंगल में मॉर्निंग की बात हो रही है, एंड बोलता है कि जब मैंने उस मॉर्निंग पे ये जो दोनों ही रोड्स देखे तो इनके ऊपर कोई चला नहीं था, वो इसलिए क्योंकि जो लीव्स थे तो वो बिल्कुल वैसे ही थे, क्योंकि पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि जब लीव्स गिरते हैं तो वो थोड़े से हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, कि अगर उन पे इंसान जो है वो पैर रखता है तो वो टूट जाते हैं, ठीक है। बट वो जो लीव्स थे वो बिल्कुल फ्रेश थे, ट्री से तो वो गिरे हुए थे बट वो फ्रेश थे। ट्रोडन का मतलब यही होता है कि मतलब वॉक करना, जिसके ऊपर फ्रिक्वेंटली चला जाए, बट यहाँ पे कोई भी किसी इंसान ने भी स्टेप नहीं रखा था क्योंकि जो लीव्स थे वो बिल्कुल फ्रेश थे। फिर जो पॉइंट है वो फिर आगे बोलता है कि जो मैंने पहला वाला रोड है तो मैंने उसको दूसरे दिन के लिए रखा, मतलब कि अगर ज़िंदगी के साथ रिलेट करे जो मतलब इसने डिसीजन एक टाइम पे लिया, दो डिसीजंस में से एक को चूज़ करना था, इसने एक लिया। अब ये बोलता है कि मैंने जो दूसरा डिसीजन है वो मैंने दूसरे दिन के लिए रखा, बट वो फिर आगे बोलता है कि बट मुझे ये चीज़ पता है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, दोनों डिसीजंस में से मैंने एक डिसीजन चूज़ किया, तो जब मैं वो डिसीजन लूँगा तो आगे फिर मुझे और उसमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो मैं टर्न बैक नहीं कर सकता, मैं फिर वापस जाके मतलब फिर वो दूसरा डिसीजन लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ज़िंदगी है वो आगे जाती है। तो वो डाउट करता है कि वो कभी वापस भी अब आ पाएगा या नहीं। ओके, तो ये था थर्ड स्टेंजा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेंजा की तरफ। फोर्थ स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो जो poet है वो फिर आगे बोलता है कि जब मैं ये story बोलूँगा, मतलब वो future को imagine करके बोलता है कि जब मैं ये story बोलूँगा बहुत सारे time के बाद, जब मैं ये story बोलूँगा लोगों को कि दो रोड्स जो है वो डाइवर्ज हो रहे थे एंड मैंने एक ऐसा रोड चूज़ किया जिसके ऊपर कम लोग चले थे, उसका मतलब ये है, ज़िंदगी के साथ रिलेट करें, उसका मतलब ये है कि मैंने एक यूनिक डिसीजन चूज़ किया। हाँ, मुझे लोगों ने उस टाइम पे बोला था कि आप ये मत लो क्योंकि इसको बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था, बट स्टिल मैंने क्या किया, मैंने मतलब एक यूनिक डिसीजन चूज़ किया, या जो मेरा दिल कहता था मैंने वो डिसीजन चूज़ किया, एंड उस डिसीजन को चूज़ करने के बाद, उस पाथ को लेने के बाद, जितना मतलब मेरी लाइफ में आप डिफरेंस देख रहे हो, जितनी ज़्यादा ग्रोथ आप मेरी लाइफ में देख रहे हो, तो ये इसी चीज़ की है कि मैंने वो लेस ट्रेवल्ड पाथ चूज़ किया था। तो ये बोलता है कि मतलब जब मैं स्टोरी बोलूँगा तो मैं ये स्टोरी बोलूँगा, I will tell this story with a deep sigh. ठीक है, sigh का मतलब क्या होता है कि जब एक इंसान deep breath छोड़ता है, ठीक है, मतलब वो relief की हो सकती है, वो regret की हो सकती है, या acceptance की हो सकती है। देखो मैं आपको दोनों way में समझाऊंगा, जो relief and regret, देखो regret इसे किस बात का है कि ये जिंदगी के जो सारे decisions हैं उनको explore नहीं कर सकता, सारे जो paths हैं उनको explore नहीं कर सकता, इसे इस बात का regret है। At the same time relief या acceptance इसे किस चीज़ की है कि इसने जो road choose किया, इसने जो decision choose किया, तो इसे फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर कि
इसकी वजह से मेरी जिंदगी में बिग डिफरेंस आया, क्योंकि इसने जितनी चीज़ें सीखनी थी, जितनी ग्रोथ करनी थी, जितनी डेवलपमेंट करनी थी, उसने कर ली। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी इसके सामने आए, बट इसने इन चैलेंजेस को काउंटर किया एंड काउंटर करने के बाद बहुत सारी अचीवमेंट्स करी। तो इसे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है, क्योंकि इसी डिसीजन की वजह से इसकी ज़िंदगी में बिग डिफरेंस आया। तो आई गेस जो पोएम है उसका जो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे एंड जो पोएटिक डिवाइसेस हैं एंड जो थीम्स हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। टोन ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर का टोन है इस पोएम में, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अबाउट ऑथर एंड सेटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, जो टोन है स्पीकर का इस पोएम में, दैट्स रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जब एक इंसान अपनी या जो पोएट है अपनी जिंदगी के बारे में बोलता है ताकि रीडर को पता चले कि वो क्या सोच रहा था। कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है डीपली थिंक करना, ठीक है, डीपली सोचना। तो ये जो दोनों ही एलिमेंट्स हैं ये हमें इस पोएम में देखने को मिलते हैं, या जो टोन है तो वो ऐसा ही है कि वो रिफ्लेक्टिव है, कंटेम्पलेटिव है। मतलब जो स्पीकर है वो हमें अपनी जिंदगी के बारे में बोलता है वो क्या फील कर रहा था एंड मतलब उसके जो डिसीजंस वगैरह हैं तो उसने उनके बारे में क्या चीज़ें सोची, तो वो चीज़ें हमें वो बोलता है एंड उसे रिग्रेट भी है किसी चीज़ का एंड एक्सेप्टेंस भी है। रिग्रेट उसे इस बात का है कि वो जिंदगी के जो सारे डिसीजंस हैं, सारे पाथ्स हैं, उनको एक्सप्लोर नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस इस बात की है कि उसने जो पाथ चूज़ किया तो उसे फ़ख्र है कि उसने वो चूज़ किया, क्योंकि इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बिग डिफरेंस आया। जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो इंसान है वो जो चॉइसेस करता है अपनी ज़िंदगी में एंड उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या असरात होते हैं उसकी ज़िंदगी के ऊपर, तो वो चीज़ें इसने इस पोएम में बताई है। ओके, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस। जो पोएटिक डिवाइसेस हैं तो उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है पोएट के थ्रू ऐसे वर्ड्स का यूज करना जिसकी वजह से रीडर के दिमाग में इमेज बन जाए, इमेज क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो इसमें बहुत सारी इमेजरी का यूज किया गया है, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा। जैसे टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, मतलब ये दिखाता है कि जो पाथ है, मतलब कोई भी ऐसा पाथ होता है तो वो फिर झाड़ियों में छुप जाता है, तो ऐसी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि मतलब हम देखते हैं किसी मॉर्निंग में जो पत्ते हैं वो गिरे हुए होते हैं किसी रोड पे एंड उस रोड पे कोई भी नहीं चला हुआ होता है, वो जो पत्ते हैं फ्रेश होते हैं, तो ऐसी इमेज बन जाती है। उसके बाद जो दो रोड है डाइवर्ज होते हैं एक जगह पे, एक मतलब जंगल में, एंड उस टाइम पे ऑटम सीजन होता है, तो इस टाइप की भी इमेज जो है वो हमारे दिमाग में बन जाती है। ओके, तो इमेजरी क्लियर है, इसके लिए ये दो तीन एग्जांपल्स काफी हैं। उसके बाद जो दूसरा पोएटिक डिवाइस है दैट इज मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, बट हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, मतलब किसी चीज को किसी दूसरे चीज के साथ कंपेयर करते हैं, बट हम एज एंड लाइक का यूज नहीं करके डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रोड्स हैं उनको किस चीज से कंपेयर किया गया है, लाइफ चॉइसेस के साथ, मतलब कि जो पाथ्स हैं, जो रोड्स हैं, यहाँ पे उनको किस चीज के साथ रिलेट किया गया है, किस चीज के साथ कंपेयर उनको किया गया है, लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं, लाइफ के जो चॉइसेस होते हैं उनके साथ। उसके बाद कौन सा दूसरा मेटाफर है इसमें, दैट इज द येलो वुड इज कंपेयर्ड टू टाइम और फेस इन लाइफ। जो येलो वुड है तो वो क्या यहाँ पे दिखाता है, येलो क्योंकि वो पेल या जो येलो है पीला हो गया है। ओके, तो ये जो येलो वुड है ये क्या दिखाता है, ये टाइम दिखाता है या फेस दिखाता है इंसान की जिंदगी में जब वो मिडिल एज में होता है, मतलब मिडिल एज में थोड़ा सा ऊपर जब वो जाता है तो जो इंसान है तो वो भी फिर मतलब उसकी मतलब उसके अंदर फिर उतनी जान नहीं रहती, जो मतलब बॉडी है वो फिर पेन करने लग जाती है, तो ये फिर यहाँ पे एक फेज दिखाता है, ठीक है। जो येलो वुड है ये इसको कंपेयर किया गया है टाइम या जिंदगी के एक फेज के साथ। ओके, थर्ड यहाँ पे जो मेटाफर यूज किया गया है दैट इज आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक। देखो ये जो मतलब इसके बाद जो चार मेटाफर्स हैं इनको आप एक और पॉइंट डिवाइसेस हैं, दैट इज सिंबलिज्म, कि इंसान जो है या जो पॉइंट है वो एक चीज के ऊपर बात करता है बट वो चीज जो है कुछ और सिंबलाइज करती है, तो इनको आप सिंबलिज्म में भी लिख सकते हो। आई मीन अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि ये जो पोएम है इसमें पॉइंटिक डिवाइसेस में आप सिंबलिज्म लिखो, तो तब आप ये जो चार हैं, पिछले जो चार हैं, इनको आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने इनको मेटाफर में लिखा है, बट आप अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इनको सिंबलिज्म में भी लिख सकते हो।
तो आगे बात करेंगे कि मैंने डाउट किया, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैंने डाउट किया कि मैं यहाँ पे वापस भी आऊंगा। देखो यहाँ पे बात वो करता है एक्चुअली रोड की, कि मैं इस दूसरे, मतलब वो बोलता है ना कि मैंने ये जो दूसरा रोड है मैंने ये दूसरे दिन के लिए रखा। फिर ये बोलता है आगे कि मुझे डाउट हो रहा है कि मैं क्या फिर वापस भी इस जगह पे आऊंगा। तो बेसिकली वो फिर कुछ इसको किसी और चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है, या ये कोई और चीज़ सिंबलाइज करती है कि जो लाइफ है वो आगे जाती है। जब हम डिसीजन कोई लेते हैं तो फिर लाइफ जो है वो आगे बढ़ जाती है, हम पीछे जाके दूसरा डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बाद आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तो मैंने वो रोड चूज किया जिसके ऊपर कम लोग चले थे। तो ये यहाँ पे इसको किस चीज के साथ कंपेयर किया गया है या क्या सिंबलाइज करता है कि एक यूनिक डिसीजन चूज करना, मतलब एक ऐसा डिसीजन चूज करना जिसको कि बहुत लोगों ने नहीं चूज किया हो। ओके, उसके बाद कुछ और पोएटिक डिवाइसेस हैं, दैट इज एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, कि ये जो लेस ट्रेवल्ड पाथ मैंने चूज किया इसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा आप डिफरेंस देख रहे हो। ठीक है, ये दिखाता है या इसको किस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है कि जब हम जिंदगी में कोई यूनिक डिसीजन लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है। ओके, उसके बाद एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, तो वो बताता है कि मैं खाली एक ही ट्रैवलर हूँ, तो मैं इन दो रोड्स को या जो सारे जो डिसीजंस हैं, जो सारे पाथ्स हैं, मैं इनको मतलब एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो ये भी इसको भी कंपेयर किया गया है किस चीज़ के साथ, कि जो इंसान है वो जिंदगी के जो सारे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं तो इनको एक्सप्लोर नहीं कर सकता। सिंबलिज्म, जो सिंबलिज्म है ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। इसका मतलब ये होता है कि जो पोएट है वो किसी चीज़ के बारे में बात करता है, बट वो चीज़ जो है वो सिंबलाइज कुछ और चीज़ करती है। जैसे यहाँ पे जो रोड्स हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं, लाइफ चॉइसेस को। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड उसने यूज़ किया इस लाइन में, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई का मतलब होता है कि एक डीप ब्रेथ छोड़ना। ठीक है, या वो डीप ब्रेथ जो है या तो वो रिलीफ की होगी या रिग्रेट की होगी। ठीक है, तो यह क्या सिंबलाइज करता है, रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन मैंने बताया कि जो पोएट है वो अपनी जिंदगी के बारे में बोलता है। एंड यहां पे ये जो साय है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि या तो रिग्रेट या तो नॉस्टेल्जिया। रिग्रेट का मतलब होता है कि उसे अफसोस है, अफसोस मैंने बताया उसे किस बात का है। नॉस्टेल्जिया का मतलब होता है कि किसी के ज़िंदगी में कुछ पास्ट इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से या तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है या तो उसे बहुत ज़्यादा गम होता है। ठीक है, तो इसे मतलब खुशी इस बात की है कि इसने ये जो डिसीजन है इसको चूज़ किया एंड इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा डिफरेंस आए। एंड रिग्रेट इसे इस बात का है कि ये जिंदगी के सारे डिसीजंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ओके, फोर्थ पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम। राइम स्कीम की बात करें तो ए बी ए ए बी इसमें राइम स्कीम है। एंड देन रेपिटेशन जो है वो एक और पोएटिक डिवाइस है। रेपिटेशन का क्या मतलब होता है, जो पोएट है वो पोएम में ऐसे वर्ड्स या ऐसी फ्रेजेस या लाइंस को रिपीट करता है उनके ऊपर असर डालने के लिए। यहाँ पे जो फ्रेज यूज की गई है या जो लाइन यूज की गई है, दैट इज टू रोड्स डाइवर्ज्ड, कहाँ पे यूज की गई है, फर्स्ट और जो लास्ट स्टेंजा है उसमें यूज़ की गई है। ये दिखाता है कि जो डिसीजन इंसान लेता है वो जो टाइम होता है, वो जो मोमेंट होता है, वो जो लम्हे होते हैं जब हम डिसीजन लेते हैं, तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से उन डिसीजंस की वजह से हमारी लाइफ पे फिर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो एक और पोएटिक डिवाइस है, दैट इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब एडजेसेंट, मतलब किसी लाइन में जब एडजेसेंट वर्ड्स जो हैं वो सेम साउंड से स्टार्ट होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, बिकॉज इट वॉज ग्रैसी एंड वेंटेड वेयर, जो वेंटेड वेयर है यहाँ पे आप डब्लू साउंड जो है उसको देख सकते हो। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, जो पर्सोनिफिकेशन है वो एक और पोएटिक डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम नॉन ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। ओके, यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन है, ये कहाँ पे यूज किया गया है, बिकॉज इट वॉज ग्रैसी एंड वॉन्टेड वेयर, ये मैंने पहले भी बताया। वॉन्टेड, वॉन्ट जो है वो एक डिजायर दिखाता है। ठीक है, कि जो ये पाथ था तो ये यहाँ पे डिजायर दिखाता है कि जो लोग हैं ये इसके ऊपर चले। उसके बाद जो दूसरा पोएटिक डिवाइस है, सॉरी जो दूसरा मतलब दूसरी एग्जांपल है जहाँ पे पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, दैट इज एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, यहाँ पे जो पाथ है उसको डेप्थ दी गई है, मिस्ट्री दी गई है जो कि आमतौर पर इंसानों में होती है। ओके, उसके बाद जो थीम्स हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। थीम, जो पहला थीम है, दैट इज चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये जो पोएम है इसमें इस चीज को एम्फेसाइज किया गया है, इस चीज के ऊपर जोर दिया गया है कि जो डिसीजंस होते हैं वो इनएविटेबल होते हैं, मतलब इंसान को
अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने ही लेने होते हैं एंड उन डिसीजंस की वजह से हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। जो हर एक जो चॉइस होती है तो वो मतलब उसके कुछ फिर असरात भी होते हैं, फिर आउटकम्स भी होते हैं, उसके कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनल जर्नी है तो उसको शेप मिलती है। मतलब कि इंसान जो है वो ग्रो करता है, उसमें डेवलपमेंट होती है, उसको बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना पड़ता है, बट चैलेंज फेस करने के बाद ही तब वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव करता है। उसके बाद इंडिविजुअलिटी जो है वो उसका दूसरा थीम है। जो स्पीकर है वो जब डिसीजन लेता है मतलब कि वो एक ऐसा डिसीजन लेता है या वो ऐसा पाथ इख्तियार करता है जिसके ऊपर कम लोग चले हैं, वो सिंबलाइज करता है कि वो उसने एक ऐसा डिसीजन अपनी जिंदगी में लिया जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, या जो लोग हैं वो उसको उस टाइम पे बोल भी रहे होंगे कि ये डिसीजन आप मत लो, बट उसने खाली अपने आप की सुनी, उसने अपने दिल की सुनी एंड एक ऐसा डिसीजन चूज किया जो कि यूनिक था। एंड बाद में वो बोलता है कि मुझे फख्र है कि मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि इसकी वजह से जो भी मैं आज हूं, जितनी भी डिफरेंस मेरी जिंदगी में आई वो इसी वजह से आई क्योंकि मैंने एक ऐसा डिसीजन चूज किया जो कि मैं खुद से चूज करना चाहता था, ठीक है, एंड उसने औरों की नहीं सुनी। तो ये दूसरा इसका थीम है। जो इसका लास्ट थीम है दैट इज रिग्रेट एंड रिफ्लेक्शन। जो इंसान है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो फिर अपना जो पास्ट है उसके अंदर झांकता है एंड बोलता है कि मैंने इस टाइम पे ये डिसीजन लिया था, अगर मैंने इसकी जगह पे कुछ और डिसीजन लिया होता तो मतलब क्या होता, क्या पॉसिबिलिटीज थी। तो ये जो इंसान है मतलब उसकी टेंडेंसी होती है कि वो मतलब लुक बैक करता है अपनी जिंदगी के ऊपर कि मैंने ये डिसीजन लिए, अगर मैं नहीं लेता तो कुछ और करता। तो इंसान जो है मतलब उसका ये नेचर है, वो ऐसी चीजें सोचता रहता है एंड उसे मतलब रिग्रेट भी होता है इन चीजों का या वो एक्सेप्ट भी करता है। जैसे यहाँ पे जो स्पीकर है वो इमेजिन करता है मतलब कि जब मैं ये स्टोरी फ्यूचर में लोगों को बोलूंगा तो तब मैं ये स्टोरी जो है वो एक साई के साथ बोलूंगा, एक डीप ब्रेथ छोड़ के बोलूंगा। मतलब कि या तो उसे रिग्रेट होगा एंड या तो उसे रिलीफ होगा, बट यहाँ पे उसे दोनों ही चीज़ें होती है, उसे रिग्रेट भी होता है, उसे रिलीफ भी होता है, उसे एक्सेप्टेंस भी होती है, नॉस्टैल्जिया की जो चीज़ें हैं वो भी उसे होती है। मतलब रिग्रेट किस बात का होता है, सारे डिसीजंस को चूज नहीं कर पाया, एक्सेप्टेंस इस बात की कि मैंने ये डिसीजन चूज किया। तो ऐसे ही मतलब कि वो जो पास्ट के जो इवेंट्स हैं उनको याद करके या तो उसे बहुत खुशी मिलती होगी या बहुत ज़्यादा गम में वो चला जाता होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो थीम है तो ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थीम के साथ साथ जो वीडियो है वो भी यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।